द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द यूनिट इलेक्ट्रिक करंट दैट इज ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। इसमें हमारे पास तीन टाइप्स होती है। पहली टाइप जो हमारे पास है वो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है। सेकंड टाइप पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। थर्ड टाइप मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो पहली टाइप हमारे पास है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जितने भी आप सेल देख रहे हैं वो आप देखोगे कि सीरीज में है, तो ये हमारी पहली टाइप हो गई। और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो एन नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, और हर सेल की अपनी एक ईएमएफ हो सकती है, और इन सब का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो सकता है। ये सभी जो नंबर ऑफ सेल्स है एन, इनकी अपनी ईएमएफ और अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगी, और इसको कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ वन सेल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ वन सेल को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अदर सेल के साथ कनेक्ट किया गया है सीरीज में। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी एन सेल्स इन सीरीज, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा इस एन नंबर ऑफ सेल्स के लिए, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, सभी ईएमएफ को प्लस करेंगे अप टू एन टर्म्स के साथ, क्योंकि हमारे पास एन नंबर ऑफ सेल्स है तो ईएमएफ भी एन तक जाएगी। तो हमारे पास एन ईएमएफ होगी, तो ईएमएफ इक्विवेलेंट क्या होगा, सभी ईएमएफ को प्लस करेंगे अप टू एन टर्म्स के साथ, तो एन ईएमएफ आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, वो भी हम स्मॉल आर इक्विवेलेंट करेंगे, आर को प्लस करेंगे एन टर्म्स के साथ, इक्वल्स टू एन आर आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको प्लस कर देंगे कैपिटल रेजिस्टेंस आर के साथ, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। करंट क्या होता है, आई क्या होता है, आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, दैट इज़ वी अपॉन आर। आई क्या होता है हमारे पास, वी अपॉन आर, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एन ई एम एफ, एन ई एम एफ अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, एन आर प्लस कैपिटल आर आ जाएगा। स्पेशल केस क्या है, अगर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो आर की वैल्यू जो है कैपिटल आर वैल्यू, अगर वो छोटी है एन आर से, तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमने क्या करना है, इस आर को निगलेक्ट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ई एफ एम एफ अपॉन एन स्मॉल आर, एन और एन कैंसिल कर देंगे, ई एम एफ अपॉन स्मॉल आर आ जाएगा। अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन NR है, तो हम NR को निगलेक्ट कर देंगे, तो NEMF अपॉन कैपिटल R आ जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या कह रहा है कि द करंट ड्रॉन इज मैक्सिमम, करंट ड्रॉन इज मैक्सिमम कब होगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होगा, अगर मैंने सेल्स जो है पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, और एम नंबर ऑफ सेल्स है, सबकी अपनी ईएमएफ है, और सबकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, सबको कैपिटल आर के साथ कनेक्ट किया गया है। पैरेलल की कंडीशन में हम जो आरपी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है पैरेलल में, उसको कैसे लिखेंगे, पैरेलल की कंडीशन में 1/r प्लस 1/r अप टू एम टर्म्स, तो एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल ख़त्म कर देता हूँ तो R बाय M आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, कैपिटल R प्लस दिस स्मॉल R बाय M। और अगर मैंने I कैलकुलेट करना है, EMF हो जाएगा, दैट इज़ EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस कैपिटल R बाय M, ओम्स लॉ वाली कंडीशन लगाई है। तो जब मैं नीचे LCM लूँगा, तो नीचे LCM में डिनोमिनेटर में एम आ जाएगा, वो एम जो है ई एम एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंडीशन फिर से वही करनी है, अगर आर कैपिटल आर लेस देन है स्मॉल आर बाय एम से, तो कैपिटल आर को हमने रिजेक्ट कर देना है, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ई एम एफ अपॉन स्मॉल आर, अगर बड़ा है तो स्मॉल आर रिजेक्ट कर देंगे, तो एम ई एम एफ अपॉन कैपिटल एम कैपिटल आर आ जाएगा।
EMF अपॉन कैपिटल R आ जाएगा। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स करंट ड्रोन मैक्सिमम कम होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लो होगा, और सीरीज में क्या था जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई होगा। अब हमारे पास है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या है, यहाँ पे सेल सीरीज में भी कनेक्टेड है और पैरेलल में भी कनेक्टेड है। तो जब हमारे सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्टेड है तो इंटरनल रेजिस्टेंस पहले सीरीज के लिए लेंगे, तो सीरीज के लिए क्या आ जाएगा, एन आर आ जाएगा। तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, हमारे पास एन मल्टीप्लाई ईएमएफ आ जाएगा, टोटल ईएमएफ। ओके, तो ये हमारे पास सीरीज के लिए आ गया। अगर हमारे पास पैरेलल में है तो पैरेलल की कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एम अपॉन एन आर होगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नंबर ऑफ टर्म्स में है। तो आरपी क्या होगा, रेसिप्रोकल ख़त्म करेंगे तो एन आर ऊपर चला जाएगा, एम नीचे आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर को प्लस करेंगे हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एन आर डिवाइडेड बाई एम। एन आर हमारे पास सीरीज के लिए आ गया, एन आर डिवाइडेड बाई एम जो है हमारे पास, ये वाली टर्म जो है आरपी, ये हमारे पास जो है पैरेलल की कंडीशन के लिए आ जाएगा, और ये हमारे पास सीरीज के लिए कंडीशन आ जाएगा। तो करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर क्या होगा, आई क्या होगा, इफेक्टिव ईएमएफ एन ईएमएफ। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर में एम आ जाएगा, एम को एन ईएमएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करंट कब मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम तब होगा जब ये वाली टर्म डिनोमिनेटर वाली मिनिमम होगी। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, मिनिमम कैसे होगी, रूट एम आर का होल स्क्वायर, इसका रूट कर देंगे एम आर का होल स्क्वायर प्लस रूट एन आर का होल स्क्वायर माइनस टू रूट एम एन आर स्मॉल आर, और प्लस कर देंगे टू रूट एम आर, ये सारी टर्म आ जाएगी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो सारी टर्म ये सेम आ जाएगी, हमने बस इसको लिखने का एक तरीका लिखा है। तो ये मिनिमम होगी और ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस दिस आ जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इट विल बी सो इफ़ दिस इक्वल टू ज़ीरो, बाकी सब रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे और ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, एम आर इक्वल टू एन आर हो जाएगा, और यहाँ से हम कैपिटल आर की वैल्यू निकाल देंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर के इक्वल हो जाएगा। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमने क्या किया है, पहले सीरीज का लिखा है इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ, फिर पैरेलल के केस में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा है और टोटल रेजिस्टेंस लिखा है। फिर हमने क्या किया है कि ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगाया, इफेक्टिव ईएमएफ तो एन ईएमएफ होगी, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास ये होगी, एम ऊपर जाके एन मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे वाली टर्म मिनिमम होगी जब करंट मैक्सिमम होगा, तो नीचे वाली टर्म को हमने लिखने का एक तरीका अपनाया, उसके बाद हमने a माइनस बी होल स्क्वायर किया, इसको इक्वल टू ज़ीरो किया और फिर हमने लास्ट में ये कंडीशन लगाई। तो ये हमारे पास था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन आइडेंटिकल सेल्स।